हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हम खुश क्यों नहीं रहते, व्हाई वी आर नॉट हैप्पी। आप में से कोई मुझे बता सकता है हम खुश क्यों नहीं रहते? क्योंकि हम स्ट्रेस बहुत लेते हैं। हम स्ट्रेस लेते हैं बहुत ज्यादा, लाइफ से एक्सपेक्टेशंस रहती है हमेशा। एक्सपेक्टेशंस बहुत रहती है लाइफ से, राइट? कोई बात को समझ नहीं पाता। हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते। पेरेंट्स के साथ काफी कंसर्न रहते हैं, काफी सारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाती। ओके, एक्चुअली हमारे ना खुश रहने के कुछ ऐसे कारण हैं कि हम सबसे पहले तो कंपैरिजन बहुत करते हैं, हम कंपटीशन रखते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं दूसरों के साथ। क्या कंपैरिजन करते हैं? उसके मार्क्स ज्यादा आ गए, मेरे मार्क्स कम आ गए। उसके पास ज्यादा पैसे हैं, मेरे पास कम पैसे हैं। उसने बड़ी गाड़ी ले ली, मेरे पास छोटी गाड़ी है। ये जो हमारा कंपैरिजन है, हमारी जेलिसी है, हम अपनी इमोशंस को जो मैनेज नहीं कर पाते, ये बहुत बड़ा रीजन है कि हम खुश नहीं रह पाते। हम एक्चुअली कंटेंटेड नहीं रह पाते। जो है हमारे पास, हम उसको ग्रैटिट्यूड नहीं कर पाते, और जो नहीं है उसके बारे में हम सोचते रहते हैं और जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। किसी को मार्क्स कमाने की चिंता है, किसी को पैसा ना होने की चिंता है, किसी को पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है उसकी चिंता है। लेकिन उसके पीछे वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है, क्या हम खुद को पहचान पाते हैं? क्या हम अपने बारे में जानते हैं? क्या हम अपनी वीकनेसेस या अपनी स्ट्रेंथ को समझते हैं कि क्या है? हर इंसान में कुछ वीकनेसेस होती हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं। तो आज हम बात करेंगे 12 प्रिंसिपल्स की, हाउ टू बी हैप्पी इन योर लाइफ। उनमें से सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल है, सेट सम गोल। सेट सम गोल का मतलब होता है हर इंसान की लाइफ में गोल होना चाहिए। हमारी लाइफ में कोई गोल नहीं होता, हमने कभी सोचा ही नहीं होता मैंने करना क्या है, मैंने बनना क्या है, मुझे क्या चाहिए अपनी जिंदगी से। लेकिन ये जो गोल हमने सेट किया है ना, ये मेजरेबल भी होना चाहिए और अटेनेबल भी होना चाहिए, अचीवेबल भी होना चाहिए। कहने का मतलब है कि रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक गोल रखते हो कि 10 दिन में मैं 15 किलो कम कर लूं, ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। हमने रियलिस्टिक गोल नहीं रखा। जो गोल होने चाहिए वो छोटे छोटे होने चाहिए, जिसको हम अचीव कर सके, अचीव करने के बाद हमें खुद को अच्छा लगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अभी ये गोल रखा है कि इन 10 दिनों में मैंने ये काम करना है, और वो जो छोटा सा काम है वो आपने कर भी लिया, सो इट गिव्स यू कंटेंटमेंट। हम अपने गोल्स को सेट करेंगे। एग्जाम्पल ये भी है कि कुछ लोग ना न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, इस साल मैंने ये कर लेना है, इस साल मैंने वो कर लेना है। लेकिन वो रेजोल्यूशंस कितने दिन चलती है? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, दैट्स इट। उसके बाद ना तो हमारी मोटिवेशन रहती है, ना हमसे वो हो पाता है। सो हम सबसे पहले अपनी लाइफ में छोटे छोटे गोल सेट करें। देन सेल्फ रिस्पेक्ट, हम अपनी रिस्पेक्ट कितनी करते हैं? हम में तो खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, हम ये सोचते ही नहीं है कि ये काम मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हम खुद को ही निगेट कर देते हैं, हम खुद को ही नेगेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा। तो जब हम खुद को नेगेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो हम लाइफ में हैप्पी कैसे रहेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? सो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन सेल्फ लव। अब सेल्फ लव की बात करें तो कई लोग सवाल पूछते हैं कि सेल्फ लव क्या होता है, अपने आप को प्यार करना, अपने आप को कैसे प्यार कर सकते हैं? तो सेल्फ लव होता है सेल्फ एस्टीम। आपकी सेल्फ एस्टीम क्या है? सेल्फ एस्टीम जो है ना, अक्सर होती है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं कैसा हूं, मैंने कितना अचीव किया। सेल्फ एस्टीम होनी चाहिए, आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने आप को कहाँ रेट करते हैं, आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं। अपनी सेल्फ एस्टीम को हम ऊंचा करेंगे, बेटर करेंगे, हेल्दी सेल्फ एस्टीम रखेंगे। 0 to 10 में अपने आप को रेट करें, हम कहाँ पे हैं, हमें 4 to 6 में रहना है।
जब हम 0 to 4 में रहते हैं तो हमारी लो सेल्फ एस्टीम होती है, हम लो फील करते हैं। जब हम 6 to 10 में होते हैं तो वो इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम होती है, हाई सेल्फ एस्टीम, मैं ही मैं हूँ और कोई नहीं है। जबकि हमें हेल्दी सेल्फ एस्टीम रखनी है 4 to 6 में अपनी ज़िंदगी बितानी है। अगर हम 4 to 6 में अपनी लाइफ बिताते हैं तो फिर हम हैप्पी रहते हैं, कंटेंटेड रहते हैं। देन कम्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या हमने अपने अपने खुद के बिहेवियर की कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है? हम दूसरों में तो बहुत कंपैरिजंस करते हैं, ये वैसा, ये ऐसा, इसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, उसने मेरा मूड खराब कर दिया, मेरे पापा ने मुझे नहीं समझा, मेरी वाइफ ने मुझे नहीं समझा, मेरी बहन ने मुझे नहीं समझा। पर क्या हम अपने बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? अपने एक्शंस, अपने मूड, अपने बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद लेंगे। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देंगे तो हैप्पीनेस खुद ब खुद आएगी, वो कंटेंटेड लाइफ होएगी हमारी। देन कम्स अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ चॉइस। पावर ऑफ चॉइस क्या होती है? चॉइस क्या होती है एक्चुअली? चॉइस या तो नेगेटिव होएगी या पॉजिटिव होएगी, हमारे ऊपर है। अगर आप लाइफ में अनसक्सेसफुल हुए हो किसी भी कारण से और आप नेगेटिव हो गए उस चीज को लेके, तो आपको अपने आप को ऊपर उठाना है, अपने आप को पॉजिटिव करना है, अपने फेलियर से लर्न करना है, ना कि सब कुछ छोड़ के बैठ जाना है। सो आपने पॉजिटिव चॉइसेस करनी है लाइफ में। अगर हम नेगेटिव चॉइसेस करते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो वी नीड टू हैव अ गुड चॉइस इन आवर लाइफ, अ पॉजिटिव चॉइस इन आवर लाइफ टू बी हैप्पी। देन कम्स वर्किंग ऑन रिजेंटमेंट्स। रिजेंटमेंट्स क्या होती हैं? शिकवे, शिकायतें, गिले। हम इतनी रिजेंटमेंट्स रखते हैं, शायद बचपन से रखते हैं, जब से हम होश संभालते हैं। 5 years का बच्चा, उसको बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं। बचपन से लेके बड़े होने तक हम इतनी रिजेंटमेंट्स रखते हैं अपने अंदर, इतनी रिजेंटमेंट्स रखते हैं, इतनी शिकवे शिकायतें रखते हैं कि उसके साथ ही हम बड़े होते हैं और वो बिल्डअप होती रहती हैं, पाइलअप होती रहती हैं। तो वो जो बिल्डअप होती हैं वो हमारे साथ ही चलती हैं, हमारे साथ ही जुड़ी रहती हैं। वो वाले थॉट्स को हमने इतना ओन किया होता है, इतना अपनाया होता है कि हमें हर वक्त, हर पल दुख होता है, पेन होती है। तो हम अगर रिजेंटमेंट्स को रखेंगे तो हम खुश कैसे रहेंगे? हम हैप्पी तो नहीं रह सकते। तो सबसे पहले हमें अपने रिजेंटमेंट्स पे वर्क करना है कि मुझे अगर किसी से गिला है, शिकवा है, शिकायतें हैं, उसको मैं थोड़ा सा फॉरगेट एंड फॉरगिव करूँ, छोड़ दूँ वहीं पर और खुद को आगे बढ़ाऊं लाइफ में। देन कम्स इज इमोशनल रेगुलेशन। इमोशनल रेगुलेशन क्या होती है? जो मेन इमोशंस होती हैं, जैसे खुशी है, हैप्पीनेस है, गम है, उदासी है, फियर है, जेलसी है, अगर हम अपने इन इमोशंस पे वर्क करें तो आई थिंक हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इमोशन है जेलसी की, आपका कोई फ्रेंड फर्स्ट आ गया है और आपने उसी टाइम पे उसके मुंह पे बोल दिया है कि कैसे फर्स्ट आ गया, पैसे दिए होंगे, रिश्वत दी होगी, तो दिस इज नॉट द राइट काइंड ऑफ इमोशन। यू नीड टू रेगुलेट योर इमोशन। फॉर एग्जाम्पल, आप जॉब पे हो, आपके बॉस ने आपको बहुत गुस्सा कर दिया है, आपका मन कर रहा है कि मैं उसको जवाब दूँ या गुस्सा करूँ, तो क्या आप दे सकते हैं? नो। अगर आप देंगे तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? आपकी जॉब छूट जाएगी। तो आपको अपनी किस इमोशन को कहाँ रेगुलेट करना है, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ऐसी अगर खुश है, आपके 10 लोग बैठे हुए हैं फैमिली पे, आके आप भंगड़ा करना शुरू हो जाते हो, ओवर हैप्पी हो जाते हो, तो लोग क्या कहेंगे? इसको पता नहीं क्या हो गया है, शायद इसके ब्रेन में कुछ चेंजेस आ गई हैं। सो यू नीड टू नो हाउ टू रेगुलेट योर इमोशंस। आपने अपनी अगर इमोशनल इनकंटिनेंस हो रही है कहीं पे, आपकी इमोशंस रेगुलेट नहीं हो पा रही, तो अपने थेरेपिस्ट से जाके बात करनी है। अगर हम अपनी इमोशंस को भी मैनेज करना शुरू कर दें तो सुकून आना शुरू हो जाता है। वो नाखुशी जो चल रही होती है, जो हम हैप्पी नहीं होते, वो धीरे धीरे हम हैप्पीनेस हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाती है। देन कम्स इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि अपने आसपास को हमने कैसे रखा हुआ है, कितना अच्छा रखा हुआ है, व्यवस्थित
इज द राइट टर्म फॉर इट. इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑब्सेस्ड हो जाए, बस सफाइयाँ करनी शुरू हो जाए आसपास, बस क्लटर नहीं इकट्ठा होने देना. क्लटर का मतलब है फॉर एग्जाम्पल आपकी ईमेल्स हैं, आपकी ईमेल्स जब बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं तो आपको उसको डिलीट करना पड़ता है, ट्रैश में डालना पड़ता है. लेकिन अगर आप उसको एक रूटीन बना लें, अपने डेली रूटीन में छोटे 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 क्लटर्स को क्लीन करते रहें, तो आपको बहुत ज़्यादा भार नहीं लगेगा किसी चीज़ का. फॉर एग्जाम्पल आपके रोज़मर्रा के काम हैं, वर्क है, वर्क की कोई चीज़ें हैं जो इकट्ठी हो ही जा रही हैं, एंड देन आफ्टर 5 days 10 days आपको कहोगे ओहो मुझसे तो हो ही नहीं रहा, मैं तो कर ही नहीं सकता. सो इट्स बेटर अगर आप ऑर्गेनाइज वे से अपनी लाइफ को लीड करें, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली छोटा छोटा काम करना शुरू करें, तो चीज़ें बहुत बेटर हो सकती हैं. देन कम्स बीइंग ग्रेटफुल. वी ऑलवेज से वी आर नॉट ग्रेटफुल टू वॉट एवर वी हैव. भगवान ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं. अभी हमने जब शुरू किया था तो मैंने बोला था उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है. ये जो कंपैरिजन और हमारा एक कंपटीशन चलता रहता है ना, कंपटीशन किसी के साथ नहीं करना, कंपटीशन खुद के साथ करना है. कि आज से 5 साल पहले मेरे गोल्स ये थे, इनको मैंने अचीव किया, मैंने आगे क्या करना है अपनी लाइफ में. तो अगर हम ग्रेटफुल होंगे हायर पावर के, बाबा जी के, परमात्मा के, रोज ग्रैटिट्यूड करेंगे फॉर वॉट एवर यू हैव, जो भी चीज़ें आपके पास हैं उसको ग्रैटिट्यूड करेंगे, तो हमें लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएंगी. लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम शिकवे शिकायतें रखते हैं, इवन गॉड से भी, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला. अगर हम ये शिकवे शिकायतें बंद करके सिर्फ ग्रैटिट्यूड करें, शुक्राना करें रोज, तो हम बहुत ही हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं अपनी. देन कम्स लिव इन द प्रेजेंट. ये तो हमारा बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच है और हमारा रूल ऑफ लाइफ है टू लिव इन द प्रेजेंट. आज आज परमात्मा ने मुझे आज के 24 आवर्स दिए हैं, मैंने इन 24 आवर्स को कैसे बिताना है, वन डे प्लान कैसे करना है, मुझे कल का नहीं पता. हमारी प्रॉब्लम है या तो हम पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं. या तो पास की जो प्रॉब्लम्स हुई हैं लाइफ में, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसे नहीं हुआ, उसको सोचते रहते हैं, रूमिनेशन चलती रहती है, या फिर हम फ्यूचर में रहते हैं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, पता नहीं मैं ये अचीव करूंगा या करूंगी, बस उस चीज़ में फंसे रहते हैं. हमें आज के दिन में रहना है. बाबा जी ने आज का दिन दिया है, आज का दिन बढ़िया कैसे बताना है, हियर एंड नाउ में रहना. इस टाइम पे मेरे लिए क्या ज़रूरी है, अगर हम ये समझ लें कि हमारे पास एक दिन की कितनी ज़रूरत है और उसको हम कितनी ब्यूटीफुली हम स्पेंड कर सकते हैं, तो बाय द एंड ऑफ द डे हम बहुत ही कंटेंटेड होंगे. देन कम्स लर्न न्यू थिंग्स. हमने बहुत बार सुना है अपने बड़े बुजुर्गों से कि मुझे तो बहुत कुछ पता है, मेरे को तो लाइफ में बहुत एक्सपीरियंसेस है, मैं तो इतना पढ़ा हूँ, मैंने तो सारी ज़िंदगी बिता दी है. बट साइंस कहती है हमारी ना एक पर्टिकुलर एज में आके डिजनरेटिव चेंजेस आ जाती हैं ब्रेन में, मेमोरी लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं. अगर आप आज चाहते हो कि आपको आगे जाके कभी मेमोरी लॉस ना होए, तो आपको ये एक स्किल अपनी डेली लाइफ में डालनी पड़ेगी कि नई चीज़ें सीखें, रोज़ कुछ नया सीखें. ये एक ब्रेन की एक्सरसाइज होती है. अगर आप रोज़ कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं नया, कोई रीडिंग मटीरियल है, कोई यूट्यूब पे हम अच्छी वीडियोस देख लेते हैं, कुछ इंस्पिरेशन वीडियोस देखते हैं, या कुछ ऐसी वीडियोस देते हैं जिससे हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है, तो फिर इस लर्निंग से भी हम हैप्पी लाइफ अपनी आगे जी सकते हैं. देन कम्स वर्किंग ऑन मी फर्स्ट. ये हमने थोड़ी देर पहले भी बात करी थी. वर्किंग ऑन मी फर्स्ट का मतलब है अपने ऊपर मैं पहले काम करूँ. हम क्या करते हैं, हम दुनिया का ठेका ले लेते हैं, लोगों को बदलने पे लगे रहते हैं, उसको चेंज कर लूँ, इसको चेंज कर लूँ. हम किसी को नहीं बदल सकते हैं. इस चीज़ को हम अच्छे से समझ लें. हमारी ना खुशी का सबसे बड़ा रीज़न है कि हम दूसरों को बदलने में लगे हैं. जो हमारी रिजेंटमेंट चल रही हैं, शिकवे शिकायतें चल रही हैं, मेरे इस फैमिली मेम्बर ने मुझे ये बोल दिया, मेरे इस फ्रेंड ने मुझे ये कर दिया, वो क्यों नहीं बदलते अपने आप को, मैं ही क्यों बदलूं. तो अगर हम वर्किंग ऑन मी कर देंगे, मैं पे काम करेंगे कि मुझे खुद को चेंज करना है, मुझे अपने अंदर बदलाव लेके आने हैं, फिजिकली भी साइकोलॉजिकली भी,
फिजिकली कैसे हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपनी हेल्थ, अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज पे वर्क करके, और साइकोलॉजिकली कैसे कर सकते हैं टू हैव अवेयरनेस अबाउट योर मेंटल हेल्थ. अगर आपका मूड लगातार 10 दिन 15 दिन ऑफ रह रहा है और किसी भी चीज़ से आपके अंदर खुशी नहीं आ रही, दैट मीन्स ये थोड़ा सा अलार्मिंग साइन है. हमें जाके मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को मिलना है, बात करनी है. अगर हम कुछ भी साइकोलॉजिकल चेंजेस अपने अंदर देख रहे हैं, चिड़चिड़ाहट आ रही है, गुस्सा आ रहा है, या हम अपने मूड को बैलेंस नहीं कर पा रहे, कुछ दिन हम बहुत खुश हैं, कुछ दिन हम बहुत उदास हैं, दैट मीन्स वी नीड टू गो एंड सीक हेल्प. सो दीज आर फ्यू प्रिंसिपल्स. अगर हम इनको डेली लाइफ में अपने इस्तेमाल करेंगे तो आई थिंक जो हम ना खुश रहते हैं, हम अपनी हैप्पी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं. थैंक यू.